सारी जांच करने के बाद, एक साल जांच करने के बाद ये आरोप लगाते हैं कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई और दी गई। वो 100 करोड़ रुपया कहां है? एक नया पैसा कहां है? वो 100 करोड़ रुपया सब इतनी 400 से ज्यादा रेड हो चुकी हैं। मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड हो गई, इतने सारे दूसरे लोग, वो पैसा मिल है कहां? एक नया पैसा नहीं मिला 100 करोड़ रुपए का, ना कोई ज्वेलरी मिली, ना कोई मनीष जी के घर पे गद्दे भी फाड़ दिए इन्होंने, उनके गांव भी हो आए, उनके बैंक लॉकर भी छान मारे, कुछ नहीं मिला 100 करोड़ में। फिर आरोप लगाया कि 100 करोड़ रुपया गोवा के चुनाव में इस्तेमाल हुआ है। जी गोवा के हमारे जितने वेंडर्स थे जिनसे हमने काम कराया था, सारे वेंडर्स पे रेड मार चुके हैं लोग, सारे वेंडर्स को इन गिरफ्तार कर करके स्टेटमेंट ले चुके, वहां कुछ नहीं मिला, सारी पेमेंट चेक से हुई है हमारी, सारा हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन को दिया हुआ, वहां भी कुछ नहीं मिला, गोवा चुनाव के अंदर इनको धेला नहीं मिला। तो पैसा गया कहां? अगर रिश्वत ली तो पैसा गया कहां? अरे पैसा तो तब मिलेगा ना जब रिश्वत ली गई होगी और रिश्वत दी गई होगी। आज मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूं कि 17 सितंबर को शाम को 7 बजे मैंने नरेंद्र मोदी को 1000 करोड़ रुपए दिए थे, कर लो गिरफ्तार उनको। ऐसे तो कोई भी इस देश में खड़ा होकर कुछ भी कह देगा। मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को 17 सितंबर की शाम को 7 बजे मैंने 1000 करोड़ रुपए दिए थे, गिरफ्तार करोगे इस बेसिस पे नरेंद्र मोदी को? भाई मेरे पास कुछ सबूत तो हो कहने का, कोई तो मैं कहूंगा भाई मेरे पास ये सबूत है मैंने दिए थे। ऐसे ही कोई कुछ भी खड़ा होकर कह देगा और गिरफ्तार कर लोगे? 100 करोड़ रुपए दिए, 100 करोड़ रुपए दिए गोवा चुनाव, अरे कहां है सबूत? कोई सबूत नहीं है। ये पॉलिसी इतनी शानदार पॉलिसी थी, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी थी जो भ्रष्टाचार खत्म कर देती पूरे के पूरे शराब सेक्टर में, ये इस बात से साबित होता है।